हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा तबीयत सही नहीं है, इसीलिए काफ़ी दिनों बाद, लगभग 10 से 15 दिनों बाद वीडियो लेकर आया। सो आज का हमारा टॉपिक है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर का कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे वो स्प्रेड करता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, डॉक्टर कौन कौन दवाई दी जाती है, इन सभी के बारे में जानेंगे। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, एंड जो जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले डेंगू फीवर के बारे में जानेंगे। डेंगू फीवर किस कारण से होता है, इसका कॉजेस क्या है, इसके बारे में। डेंगू फीवर इज़ ए ट्रॉपिकल डिजीज़। डेंगू फीवर जो कि एक ट्रॉपिकल डिजीज़ होता है, कॉस्ड बाई ए वायरस, वायरस की कारण से होता है, कैरिड बाई मॉस्किटोस, मॉस्किटोस की द्वारा बेसिकली होता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसका सिम्टम्स क्या है, डेंगू फीवर का जो सिम्टम्स होता है उस प्रकार सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स पहला है हाई फीवर हो सकते, मरीज को पेशेंट को ज़्यादा फीवर हो सकते, उसके साथ साथ हेडेक भी आ सकते, हेडेक पूरा शरीर में दर्द हो सकते, मसल एंड जॉइंट पेन, मसल में एंड जॉइंट में हड्डियों में पेन वगैरह हो सकते, न्यूशिया एंड वोमिटिंग, वोमिटिंग वगैरह हो सकते, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकते। ये हमारा डेंगू फीवर का सिम्टम्स है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, डॉक्टर कौन कौन दवाई दी जाती है इसके बारे में। पहला है पैरासीटामोल 650 mg टैबलेट। पैरासीटामोल का 650 mg का टैबलेट 6 से 10 दिन तक दी जाती है डोज। 650 mg BD TDS, 650 mg का जो टैबलेट है वो दिन में दो बार, BD मतलब दिन में दो बार और TDS मतलब दिन में तीन बार लेना है। इसके बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है, CBT टेस्ट, CBT मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, जो टेस्ट होता है CBT टेस्ट, जैसे कि RBC काउंट, WBC काउंट, ब्लड प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन लेवल, लिम्फोसाइट काउंट, इस प्रकार टेस्ट किया जाता है। इसके बीच में किसी प्रकार का कमी हो जाए तो उसके लिए अलग अलग दवाई दी जाती है। ब्लड प्लेटलेट्स, किसी व्यक्ति को ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो उसके लिए अलग दवाई दी जाती है। ब्लड प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज 2 से 2.5 लाख। जब हमारा ब्लड प्लेटलेट्स का रेंज 1.5 लाख से कम हो जाती है तब कैरिपिल टैबलेट्स दी जाती है। इसका डोसेस क्या है, 1 टैबलेट BD, एक टैबलेट दिन में दो बार लेना है, एंड इसके साथ साथ पेशेंट को जो एंटीबायोटिक दी जाती है इस प्रकार एंटीबायोटिक के बारे में जानेंगे। पहला जो एंटीबायोटिक दी जाती है वो है मॉक्सिकाइंड CB 625, जो कि मार्केट में अवेलेबल पाया जाता है, किसी मेडिकल शॉप से आप इसको आसानी से खरीद कर सकते, जो कि एमोक्सिलिन एंड पोटाशियम क्लाबुलेट, इन दोनों कॉम्बिनेशन का मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा एक मेडिसिन है। डोज 1 टैबलेट BD, एक टैबलेट दिन में दो बार लेना है। अगर कोई व्यक्ति को सीरियस कंडीशन हो गया तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, एंड उसके लिए पहला है IV फ्लूइड दी जाती है, NS DNS किसी प्रकार का IV फ्लूइड दी जाती है। NS मतलब नॉर्मल सेलाइन, DNS मतलब डेक्सटोरेंज नॉर्मल सेलाइन, एंड किसी व्यक्ति को न्यूशिया एंड वोमिटिंग वगैरह आ जाए तो उसके लिए कौन कौन दवाई दी जाती है, उसके लिए बेसिकली पेंटॉप DSR दी जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा एक वोमिटिंग रोकने वाला मेडिसिन है, जो कि पेंटाप्राजोल एंड डोमपेरिडोन दोनों का कॉम्बिनेशन का मेडिसिन है, किसी भी मेडिकल शॉप से आप इसको आसानी से खरीद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छा से समझ गया कैसे डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट किया जाता है। सो आज का हमारा यहाँ पे वीडियो एंड है।
तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।